नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 19 दिसंबर 2017। स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। कल हम प्रीलिम बूस्टर न्यूज नहीं डिस्कस कर पाए थे, काफी लेट हो गए थे, तो कल की न्यूज और आज की न्यूज मिला के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम यानी NESIDS। हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा कमी है, तो वहां पे कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गैप है उसे फिल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च की है। 100% फंड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और लक्ष्य ये है कि मार्च 2020 तक कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप को फिल किया जाए। और कौन से वो स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं, जैसे वाटर सप्लाई, पावर कनेक्टिविटी, प्रमोटिंग टूरिज्म और सोशल सेक्टर्स जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ। इन सभी सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी गैप है, जहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, उस वीक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जाएगी। तो काफी सारा फायदा होगा इससे, सोशल सेक्टर से एजुकेशनल और हेल्थ सेक्टर तो मजबूत होंगे ही, इसके अलावा रोजगार के भी काफी सारे अवसर पैदा होंगे। तो स्कीम के बारे में आप याद रखिएगा। यूपीएससी इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकती है, क्या नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम ट्रांसपोर्ट के लिए है? नहीं, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए है। क्या स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ फंड देगी इस स्कीम में? नहीं, सारी की सारी जो स्कीम फंड की जाएगी वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड की जाएगी, 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बेसिक डिटेल्स आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल रेलवे मिनिस्ट्री के कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में है। सबसे पहले है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ एक नई R&D ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेलवे की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेगी। उसके बाद है सूत्रा। सूत्रा स्पेशल यूनिट है ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च के लिए, डेटा को एनालाइज करना, सॉफ्टवेयर को सिमुलेट करना और उसके बाद नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करना, ये सब काम होंगे सूत्रा के। ये स्पेशल यूनिट है ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च के लिए। और सबसे लास्ट में है निवारण। निवारण एक ग्रीवांस रेड्रेसल पोर्टल है, रेलवे एम्प्लॉयज के जो सर्विस रिलेटेड मैटर्स हैं उनके समाधान के लिए है ये IT पोर्टल जिसका नाम है निवारण। तो ये इनिशिएटिव्स अगर पूछे यूपीएससी यूं पूछ सकती है कि श्रेष्ठा, सूत्रा, निवारण, ये सब जो इनिशिएटिव्स हैं कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं। तो आप याद रखिएगा, रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा ये सब इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए गए हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल फिर से रेलवे मिनिस्ट्री के बारे में है। संपर्क, समन्वय, संवाद, ये एक कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। थीम थी विजन फॉर न्यू रेलवे, न्यू इंडिया 2022। तीन पिलर्स पे फोकस करता है ये कॉन्क्लेव। सबसे पहले संपर्क, मतलब रेलवे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, यानी रेलवे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन है वो रेलवे मिनिस्ट्री शेयर करेगा। उसके बाद समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन। तीसरे नंबर पे संवाद। संवाद का मतलब ये है कि रेलवे देखो अभी बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ है, उनके सॉल्यूशंस के लिए रेलवे संवाद इस्टेब्लिश करेगा जो भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, और रेलवेज की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। इसके लिए रेलवेज एंकरेज करेगा अपने ऑफिसर्स को कि आप ग्राउंड रियलिटीज को लेके आइए टॉप ऑफिशियल्स तक, ताकि उन पॉलिसीज को, उन रिफॉर्म्स को लाया जा सके रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर और रेलवेज को आगे लेके जाया जा सके। तो ये कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया था रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। संपर्क, समन्वय, संवाद। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया से संबंधित है। 1956 में इस बॉडी को एस्टैब्लिश किया गया था। कौन से एक्ट के अंदर? प्रेस रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट 1867 के अंतर्गत इस बॉडी को एस्टैब्लिश किया गया था। पार्लियामेंट के एक्ट से इस बॉडी को बनाया गया था, इसलिए यह बॉडी स्टैचुटरी बॉडी है। करती क्या है? हमारे देश में न्यूज़पेपर्स की प्रिंटिंग और न्यूज़पेपर की पब्लिशिंग को रेगुलेट करती है यह बॉडी। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? यह बॉडी आती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर। हर एक साल यह बॉडी रिपोर्ट सौंपती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को। किस बारे में वो रिपोर्ट होती है? हमारे देश में कौन कौन सी नई पब्लिकेशंस जो है वो रजिस्टर हुई, उन सब चीजों के बारे में डेटा सौंपती है रिपोर्ट में ये बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को। तो अभी कंटेक्स्ट ये ही है, रिसेंटली रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, एनुअल रिपोर्ट सौंपी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को। 4007 नई पब्लिकेशंस रजिस्टर हुई हैं अपनी रिपोर्ट में, कहा रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया ने। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड पब्लिकेशन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया के बारे में, याद रखना ये सब। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी के बारे में है, यानी CMRS। देखो जब भी किसी सिटी में नई मेट्रो स्टार्ट होती है या फिर इवन जहां पे ऑलरेडी मेट्रो है, नई लाइन पे मेट्रो नई स्टार्ट होती है, तो उससे पहले प्रॉपर रूप से इंस्पेक्शन होता है उस लाइन का कि भविष्य में इस लाइन पे मेट्रो चलेंगी, क्या जो ऑपरेशंस हैं वो सिक्योर होंगे, सभी तरह की सेफ्टी की जांच की जाती है
लेकिन किस बॉडी के द्वारा? कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी ना सिर्फ नई मेट्रो लाइन पे मेट्रो चलने से पहले ऑपरेशंस की जांच करती है, क्या सभी तरह की सेफ्टीज को इंश्योर किया गया है उस मेट्रो लाइन पे, इवन नई रेलवे लाइन पे भी अगर नई ट्रेन चलती है तो वहां पे भी ऑपरेशंस में सेफ्टी को इंश्योर किया जाता है, सेफ्टी को रेगुलेट किया जाता है इस बॉडी के द्वारा जिसका नाम है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। अब देखो बहुत सारी मेट्रो स्टार्ट हो रही है नई नई सिटीज में, लेकिन कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी पे बर्डन काफी ज्यादा है, तो काफी रेड टेपिज्म है, तो नई मेट्रो लाइन पे अप्रूवल मिलने से पहले काफी टाइम लग जाता है, डिले काफी ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए अब सरकार ने मेट्रो के लिए अलग से एक कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी का निर्माण कर दिया है, अलग से एक सर्कल ऑफिस बनाया जाएगा ताकि अगर कोई नई लाइन पे मेट्रो स्टार्ट होती है या फिर किसी नई सिटी में मेट्रो स्टार्ट होती है तो वहां पे इंस्पेक्शंस जल्दी की जा सके, ऑपरेशंस में जो भी सेफ्टी इंश्योर करनी है, जो भी सेफ्टी को रेगुलेट करना है वो जल्दी इंश्योर किया जा सके। इन सब चीजों के लिए अलग से एक सर्कल ऑफिस बना दिया गया है कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी का, ये बनाया गया है मेट्रो रेलवेज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 2002 के अंतर्गत में। अब आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पहले भी हमने ये क्वेश्चन कवर किया था, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी जो ये बॉडी है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आती है? पहला ऑप्शन रेलवे मिनिस्ट्री, दूसरा ऑप्शन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, तीसरा ऑप्शन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और चौथा ऑप्शन होम मिनिस्ट्री। सोच लिया? देखो नाम से लग सकता है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी है तो रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर में आता होगा, लेकिन बिल्कुल गलती मत करना, यहां पे ट्रैप है। ये जो बॉडी है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर ये बॉडी आती है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑपरेशनल ओशियनोग्राफी के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, गवर्नमेंट यूनेस्को के साथ मिलकर हैदराबाद में इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑपरेशनल ओशियनोग्राफी को एस्टैब्लिश करेगी। क्या काम होगा इस ट्रेनिंग सेंटर का? यह ट्रेनिंग सेंटर हेल्प करेगा, किसकी हेल्प करेगा? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के अंदर जो मेंबर्स आते हैं, फिलहाल मेंबर्स की संख्या है 21 इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के, या फिर वो अफ्रीकन कंट्रीज जिनका कोस्ट टच होता है इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशन के साथ में, या फिर स्मॉल आइलैंड कंट्रीज, इन सभी कंट्रीज की हेल्प करेगा, कैपेसिटी बिल्ड करेगा और ओशनोग्राफी से संबंधित जो भी ऑपरेशंस हैं उनके बारे में जानकारी देना, इन कंट्रीज को नॉलेज शेयर करना, ये सब काम होंगे इस इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑपरेशनल ओशनोग्राफी के। अब देखो यूपीएससी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकती है कि इंडिया ने ये जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑपरेशनल ओशियनोग्राफी इस्टैब्लिश किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इस्टैब्लिश किया है? क्या WTO के साथ, यूनेस्को के साथ, यूनिसेफ के साथ में, या फिर कोई और बॉडी के साथ में, वर्ल्ड बैंक के साथ में? तो आप याद रखिएगा यूनेस्को के साथ मिलकर इंडिया ने ये इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑपरेशनल ओशियनोग्राफी इस्टैब्लिश किया है, और यह भी याद रखिएगा कहां पर इस्टैब्लिश किया है, हैदराबाद में इस्टैब्लिश किया गया है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल न्यायग्राम के बारे में है। न्यायग्राम एक टाउनशिप है जो कि इस्टैब्लिश की गई है यूपी सरकार के द्वारा अलाहाबाद हाईकोर्ट के अनुरोध पे। इस टाउनशिप में अलाहाबाद हाईकोर्ट के जजेस के रहने के लिए आवास होंगे, इवन जो अलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़े जो दूसरे कर्मचारी हैं उनके रहने के लिए भी आवास होंगे। इस टाउनशिप में एक जुडिशियल एकेडमी भी होगी, ऑडिटोरियम भी होगा, ताकि जो जजेस हैं वो डिफरेंट लॉ फील्ड से जुड़े जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ असेंबल हो सकें और कंटेम्प्रेरी लॉ पे चर्चा कर सकें। यूपी PWD डिपार्टमेंट जो है वो नॉमिनेटेड कंस्ट्रक्शन एजेंसी है इस न्यायग्राम को डेवलप करने के लिए। यूपी पब्लिक वर्क्स डेवलपमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल कांगरी के बारे में है। कश्मीर में यूज होती है कांगरी एज ए कल्चर, वहां पे पेरेंट्स शादी के बाद अपनी बेटी को पहली सर्दियों में ये कांगरी गिफ्ट देते हैं ताकि सर्दी से वो अपनी सुरक्षा कर सकें। लेकिन अब धीरे धीरे जो कांगरी है वो कश्मीर के रिवाज से गायब हो रही है। पहले काफी सारी कॉटेज इंडस्ट्रीज थी कांगरी की कश्मीर में, लेकिन अब वो कॉटेज इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बंद हो रही हैं, क्योंकि देखो एक तो जो कल्चर है वो भी मिट रहा है धीरे धीरे कांगरी का, और दूसरा आजकल मॉडर्न अप्लायंसेज उपलब्ध है मार्केट में सर्दी से बचाव करने के लिए, इसलिए कांगरी की जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो रही हैं। तो यूपीएससी इस प्रकार से पूछ सकती है कि कांगरी है क्या, या फिर कौन से राज्य में प्रचलित है कांगरी। तो कांगरी में होता क्या है, बीच में मिट्टी का बर्तन होता है और मिट्टी के बर्तन में ये चारकोल जल रहा होता है, समझ गए? तो याद रखिएगा कि कश्मीर में पेरेंट्स अपनी बेटी को शादी के बाद पहली सर्दियों में ये कांगरी गिफ्ट देते हैं, लेकिन अब इसका रिवाज धीरे धीरे कम हो रहा है, इसीलिए कांगरी से जुड़ी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो रही हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल सिगरेट से संबंधित है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने 2015 में सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स पैकेजिंग एंड लेबलिंग अमेंडमेंट रूल्स 2014 को अमेंड करके एक नई नोटिफिकेशन जारी की थी। इस नोटिफिकेशन के अनुसार किसी भी सिगरेट के पैकेट पे 85% स्पेस रिजर्व रहेगा उस पिक्चर के लिए जो पिक्चर वार्निंग के लिए यूज होती है, स्क्रीन पे देखिए।
इस तरह की पिक्चर्स जो आपने देखी होगी सिगरेट के पैक पे, तो हेल्थ मिनिस्ट्री की 2015 की नोटिफिकेशन के अनुसार किसी भी सिगरेट के पैकेट पे 85% स्पेस जो रहेगा वो इसी पिक्चर के लिए रहेगा जो कि वार्निंग के लिए दी जाती है। लेकिन अब कर्नाटका हाईकोर्ट ने हेल्थ मिनिस्ट्री के इस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा है कि इस तरह का जो डिसीजन है वो प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग नहीं लिया गया है, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यानी अब फिर से सिगरेट निर्माताओं के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो अपने सिगरेट के पैकेट पे 85% जो स्पेस है वो रिजर्व करें उस पिक्चर के लिए जो कि वार्निंग के लिए दी जाती है। तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि देखो काफी सारी स्टडीज ने ये शो किया था कि इस प्रकार से बड़ी बड़ी पिक्चर्स छापने से सिगरेट के कवर पे जो सिगरेट को स्मोक करते हैं वो कहीं ना कहीं सोचते हैं उन पे असर पड़ता है कि हमको भी कोई बीमारी हो सकती है अगर हम लगातार स्मोक करते हैं। तो स्मोकिंग काफी लोगों ने छोड़ दी थी इस तरह के रूल स्टार्ट होने के बाद में, लेकिन अब फिर से कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस तरह के रूल को कैंसिल कर दिया है ये कहते हुए कि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया गया है। तो ये पूरा आर्टिकल था, चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल इन्वेसिव एनिमल स्पीसीज के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन्वेसिव एनिमल स्पीसीज की एक लिस्ट कंपाइल की है। देखो इन्वेसिव स्पीसीज में प्लांट भी आ सकता है, एनिमल भी आ सकता है, या दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म भी आ सकता है। मेनली जो इन्वेसिव स्पीसीज होती है वो नॉन नेटिव होती है। अगर देखो एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिका की कोई स्पीसीज को इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, यानी अमेरिका की कोई स्पीसीज इंडिया में आ जाती है, तो इंडिया के इकोसिस्टम को वो स्पीसीज नुकसान पहुंचा सकती है, फूड चैन को डिस्टर्ब कर सकती है, यहाँ पे लोकल प्लांट्स एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर सकती है, इवन ह्यूमन को भी काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है कई बार इन्वेसिव स्पीसीज से। तो ये वो स्पीसीज होती हैं जो मेनली उस लोकेशन से बिलोंग नहीं करती, लेकिन या फिर ह्यूमन रीजंस के कारण या फिर किसी दूसरे रीजंस के कारण वो किसी दूसरे इकोसिस्टम में जाके वहां पे उस इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाती हैं, तो वो स्पीसीज होती हैं इन्वेसिव स्पीसीज। अभी देखो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ एनिमल इन्वेसिव स्पीसीज की लिस्ट कंपाइल की है। उसमें सबसे पहला आता है पपाया मिलीबग। पपाया मिलीबग जो है वो मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका से बिलोंग करता है, और हमारे देश में असम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, यहाँ पे पपाया के क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय किया है इस पपाया मिलीबग ने। उसके बाद है कॉटन मिलीबग। कॉटन मिलीबग जो है उसने डेक्कन के एरियाज में कॉटन की क्रॉप को नुकसान पहुंचाया है, और मेनली कॉटन मिलीबग जो है वो नेटिव है नॉर्थ अमेरिका की, यानी नॉर्थ अमेरिका में मिलता है कॉटन मिलीबग, लेकिन इसे इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, और इंडिया में डेक्कन के एरियाज में कॉटन की फसल को नुकसान पहुंचाया कॉटन मिलीबग ने। उसके बाद है अमेजन सेल्फिन कैटफिश। ये फिश की पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय कर रही है कोलकाता की वेटलैंड्स में, और अमेजन फॉरेस्ट की ये स्पीसीज हैं अमेजन सेल्फिन कैटफिश। उसके बाद है ऑरेंज कप कोरल। ये स्पीसीज ओरिजिनेट हुई है इंडो ईस्ट पैसिफिक में, लेकिन हमारे देश में इसे देखा गया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, गल्फ ऑफ कच्छ, केरला एंड लक्षद्वीप में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उन इन्वेसिव एनिमल स्पीसीज की जिनको कंपाइल किया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत में, इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1916 में, और मेनली एनिमल्स को क्लासिफाई करती है ये बॉडी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये पूरा आर्टिकल था, ये थी हमारी आस्क डिस्कशन। फिलहाल शुरुआत से हम देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम को। नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो भी गैप्स हैं उनको फिल करना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में। लक्ष्य है मार्च 2020 से पहले पहले उन गैप्स को फिल किया जाए। रेलवे मिनिस्ट्री के कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में हमने डिस्कस किया, श्रेष्ठ सूत्रा निवारण। उसके बाद संपर्क समन्वय संवाद, ये एक कॉन्क्लेव था जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। उसके बाद है रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया। हमारे देश में न्यूज़पेपर्स की प्रिंटिंग और पब्लिशिंग को रेगुलेट करती है ये बॉडी, स्टेचुरी बॉडी है रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया। उसके बाद है कमिश्नर फॉर मेट्रो रेलवे सेफ्टी। मेट्रो रेल चलने से पहले ऑपरेशंस का जो भी रेगुलेशन होता है उस चीज के लिए अलग से एक डिवीजन सर्कल ऑफिस बना दिया गया है कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी। उसके बाद हमने डिस्कस किया इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑपरेशनल ओशियोनोग्राफी के बारे में। यूनेस्को के साथ मिलकर गवर्नमेंट की ट्रेनिंग सेंटर इस्टेब्लिश करेगी, कहां पे? हैदराबाद में। उसके बाद हमने न्यायग्राम को डिस्कस किया, कांगरी को हमने डिस्कस किया, अर्थन पोर्ट में यानी मिट्टी के एक बर्तन में चारकोल बर्न होता है, और कश्मीर में पेरेंट्स के द्वारा अपनी बेटी की शादी के बाद पहली सर्दियों में इसे गिफ्ट किया जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे इसका कल्चर कम हो रहा है। उसके बाद हमने इन्वेसिव एनिमल स्पीसीज के बारे में डिस्कस किया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया,
और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया कर्नाटका हाईकोर्ट के एक फैसले के बारे में। कर्नाटका हाईकोर्ट में हेल्थ मिनिस्ट्री की उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है जिसमें यह कहा गया था सभी सिगरेट के निर्माता जो हैं वो सिगरेट के पैक के 85% स्पेस को रिजर्व करेंगे उस पिक्चर के लिए जिसकी सहायता से वार्निंग दी जाती है उन स्मोकर्स को जो सिगरेट को स्मोक करते हैं कि आप सिगरेट मत पीजिए और आपके स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक साबित हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।